लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शर्मनाक, बेटी की मौत के बाद कंधे पर शव उठाने को मजबूर हुए माँ बाप, शव को ले जाते परिजन। बिहार के एक सरकारी अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही फिर से सामने आई है। मामला बेगूसराय का है, जहां बुखार से पीड़ित एक लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मौत के पीछे इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। लड़की की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा शव ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और परिजनों के लिए कंधे पर शव उठाना मजबूरी हो गई। हालांकि परिजनों द्वारा कंधे पर शव उठाने के बाद न्यूज अठक की पहल पर आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा शव वाहन की व्यवस्था की गई। ये भी पढ़ें, नवादा भूमि विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, विरोध में सड़क जाम। दरअसल नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की रहने वाली सोनाली को शनिवार को अचानक तेज बुखार हो गया और उल्टी की शिकायत होने के बाद परिजनों ने उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहां से डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बीती रात जब सोनाली को भर्ती कराया गया, उसके बाद से ही इलाज में लापरवाही बरती गई और कुछ खाना पूर्ति के बाद उसे यूं ही छोड़ दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही के कारण ही इसकी मौत हुई है। परिजनों की माने तो सोनाली की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा शव को यूं ही ले जाने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लिया गया। ये भी पढ़ें, वैशाली में टोल प्लाजा कर्मी को दिन दहाड़े मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। परिजन जब कंधे पर शव को उठाकर चले तब न्यूज 18 के संवाददाता की नज़र उन पर पड़ी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने इस बात की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार को शव वाहन मुहैया कराया, जिससे पीड़ित अपनी बच्ची का शव घर ले जा सके। हाल के दिनों में ये पहला मामला नहीं है जब किसी सरकारी अस्पताल में शव को लेकर ऐसी तस्वीर सामने आई हो।